पंजाब में देश के प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आज पूरे जिले में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी का पुतला दहन किया गया। साथ ही भाजपा के युवा मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चुन्नी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया। कहा, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को जनता माफ नहीं करेगी। ये भी कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मोदी के काफिले पर हमले की तैयारी की गई। युवा मोर्चा ने पंजाब के मुख्यमंत्री को आईना दिखाने और चन्नी सरकार के विरोध में मुर्दाबाद के नारे के साथ विरोध प्रदर्शन और मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला दहन किया। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में चूक के चलते पंजाब सरकार को पूर्ण दोषी माना जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि पंजाब में ये घटना हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा उनको मुहैया कराना था, लापरवाही पूर्वक कार्रवाई करते हुए वो लोग पंजाब सरकार जो है प्रधानमंत्री को सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाया। यह मान के चलिए कि एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा में वो लोग चूक किया जानबूझकर, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का जान का हानि भी योजना वो लोग करने के लिए योजना बना रखे थे, मगर जिसको भगवान स्वयं राम रक्षा करे ऐसा शख्स को कौन मार सके, ये कथा जो है यहाँ पर सत्य साबित हो रहा है। और उस पंजाब सरकार को आईना दिखाने के लिए आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल पखांजूर की ओर से पंजाब सरकार में बैठे मुख्यमंत्री चुन्नी का पुतला दहन किया गया है। साथ ही समय न्यूज के लिए पखांजूर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट।